जे भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि मनुस्मृति के अंदर बौद्धों के बारे में, बुद्धिस्ट के बारे में क्या कहा गया है, किस तरह की बातें कही है बौद्धों के बारे में मनुस्मृति के अंदर, इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने खोल ली है बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन एंशियंट इंडिया, और चलते हैं हम उसके चैप्टर नंबर 7 द ट्रिम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म। तो हम आगे हैं द चैप्टर नंबर 7 द ट्रिम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म। अब हम चलते हैं उस पैराग्राफ में, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जहां पर मनुस्मृति के अंदर बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्धों के बारे में क्या लिखा है, उस चीज को बाबा साहब ने एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, आगे हैं उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जहां पर मनुस्मृति के अंदर बौद्धों के बारे में क्या लिखा है, इस चीज को बाबा साहब ने एक्सप्लेन किया है। यहाँ बाबा साहब लिखते हैं, दिस इज एनफ टू शो दैट मनुस्मृति कंटेन्स द न्यू लॉ ऑफ द न्यू रिजीम। फ्रेंड्स, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के जो लास्ट राजा थे बृहद्रथ मौर्य, उसको खत्म करके ब्राह्मण पुष्यमित्र सुंग षड्यंत्र से खत्म करा था बृहद्रथ मौर्य को, और उसके बाद में ये पुष्यमित्र सुंग है ये राजा बन गया था, और ये इतना कट्टर ब्राह्मणवाद का सपोर्टर था, क्योंकि खुद ब्राह्मण था तो ऑब्वियसली कट्टर ब्राह्मणवाद का सपोर्टर था, और बहुत ही ज्यादा एंटी बुद्धिस्ट था, बौद्ध धर्म के बहुत ही अगेंस्ट था, क्योंकि पिछले लगभग 150-200 साल तक मौर्य काल के दौरान ब्राह्मणों को जिस तरह की जिंदगी, एक सेकंड क्लास सिटीजन की जिंदगी जीनी पड़ी थी, तो उससे ये पुष्यमित्र सुंग काफी मतलब एक तरह से नाराज था, और बौद्धों के अगेंस्ट में एक तरह से रिवेंज, बदला लेने की इसकी नीयत थी, और इसी कारण से इसने मतलब बौद्ध धर्म के खिलाफ जो चीजें कर सकता है दबाने के लिए, बौद्धों को जो चीज कर सकता है वो सब चीजें की। तो क्योंकि इसी काल में मनुस्मृति लिखी गई थी पुष्यमित्र सुंग के काल में, तो मनुस्मृति में इस तरह की बातें इसने लिखाई जिससे कि बौद्धों का पतन हो और बौद्ध धर्म का पतन हो। तो द न्यू रिजीम ऑफ पुष्यमित्र वाज एंटी बुद्धिस्ट इज बिट्रेड बाय द ओपन प्रोविजंस इनेक्टेड इन द मनुस्मृति, है ना, जो इस तरह के प्रोविजंस बुद्धिस्ट लोगों के खिलाफ किए गए, बौद्ध धर्म के खिलाफ किए गए, अगेंस्ट द बुद्धिस्ट इन बुद्धिज्म। तो वो क्या प्रोविजंस थे, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है, ये एक्सप्लेन है, मनुस्मृति की अथॉरिटी दे रखी है इसमें, मैन हु अबाइड इन हेरेसी द किंग शुड बैनिश फॉर हिज रियल्म। हेरेसी, हेरेसी का मतलब ये होता है कि जो फिक्स पैटर्न चल रहा है समाज के अंदर, है ना, जो भी सामाजिक ढांचा है, सामाजिक विचारधारा है, धर्म की विचारधारा है ना, उससे अगर हटके कोई बात करता है तो उसको बोलते हैं हेरेसी, और उन लोगों को बोलते हैं हेरेटिक्स। ठीक है, तो जो लोग हेरेसी में विश्वास करते हैं, हेरेटिक्स में विश्वास करते हैं, राजा उनको अपने देश से निकाला दे दे। दूसरी बात है, दीज रोबर्स इन डिसगाइज लिविंग इन द किंग्स रियल्म कॉन्स्टेंटली इंजर द वॉर्दी सब्जेक्ट बाय द परफॉर्मेंस ऑफ देयर मिसडीड्स, है ना। मनुस्मृति बोलती है कि जो ये हेरेटिक्स हैं, ये रोबर्स हैं, ये लुटेरे हैं एक तरह से, और ये जनता को खराब करते हैं, उनके विचारों को खराब करते हैं। Libations of water shall not be offered to the souls of those who neglect the prescribed rites and may be said to have been born in van, and to those born in consequence of illegal mixture of caste and those who are ascetics and to those who have committed suicide। मतलब libation of water, एक जब इंसान मर जाता है तो एक प्रथा है कि भाई जल से उसका चढ़ावा करना, इस तरह का ऑफरिंग देना वाटर की, वो है। लेकिन जो हेरेटिक्स लोग हैं, जो कि इन चीजों को, सब कुछ को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए ये लिबेशन ऑफ वाटर नहीं किया जाएगा। लिबेशन ऑफ वाटर शेल नॉट बी ऑफर्ड टू द सोल्स ऑफ द वुमेन हु हैव जॉइंड द हेरेटिकल सेक्ट। जिन महिलाओं ने हेरेटिकल सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है, उनका भी लिबेशन ऑफ वाटर नहीं किया जाएगा। और कोई भी जो हाउस होल्डर है, गृहस्थ है, वो कभी भी किसी भी हेरेटिक्स को मान सम्मान नहीं देगा। कोई भी लोजिशियन जो कि वेदाओं के अगेंस्ट में बात करता है, कोई भी हेरेटिक है उस जो कि वेदाओं के अगेंस्ट में बात करता है, उसको मान सम्मान कोई भी नहीं देगा। ऑल दोज ट्रेडिशन, ऑल दोज डेस्कल सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी विच आर नॉट बेस्ड ऑन द वेदा टू प्रोड्यूस नो रिवार्ड आफ्टर डेथ फॉर दे आर डिक्लेयर टू बी फाउंडेड ऑन डार्कनेस। कहने का मतलब है कि जो भी फिलोसफी जो वेद पर बेस्ड नहीं है, वो उसको मतलब कंप्लीटली खारिज किया जाता है, क्योंकि ऐसी फिलोसफी किसी भी तरह का कोई रिवार्ड, इनाम नहीं देती मृत्यु के पश्चात, है ना, और वो इस तरह की फिलोसफी डार्कनेस, अंधकार पर बेस होती है। कहने का मतलब ये है कि जो ब्राह्मण धर्म है वो तो भाई आफ्टर डेथ, है ना, मृत्यु के पश्चात भी अगर आप अच्छे कर्म करोगे, है ना, तो आप स्वर्ग में जाओगे, इस तरह की बातें करते हैं कि रिवार्ड मिलता है ना ब्राह्मण धर्म के अंदर। लेकिन जो ये बौद्ध धर्म है, हेरेटिक्स है, उनमें इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए हेरेटिक्स के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि वो डार्कनेस, अंधकार पर बेस है। नेक्स्ट है, ऑल दोज डॉक्ट्रिन्स डिफरिंग फ्रॉम वेदा विच स्प्रिंग अप एंड सून पेरिश आर वर्थलेस एंड फॉल्स बिकॉज ऑफ मॉडर्न स्टेट। तो कहने का मतलब कि जो भी डॉक्ट्रिन्स हैं जो कि वेदा से डिफर करती है, वेदों के अलावा है ना,
वो जल्द ही मतलब पैदा तो हो गई लेकिन वो जल्द ही खत्म भी हो जाएंगी, क्योंकि वो बिल्कुल वर्थलेस है, फॉल्स है, और बिल्कुल मतलब मॉडर्न स्टेट की वजह से पैदा तो हो गई लेकिन वो जल्दी जल्द खत्म हो जाएगी, ऐसा वेदों ऐसा मनुस्मृति ने लिखा हुआ है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि हु आर द हेरेटिक्स टू हुम मनु रेफर्स एंड टू हुम ही वांट्स टू द न्यू किंग टू बैनिश फ्रॉम हिज रियल्म एंड हाउस होल्ड। मतलब यहाँ बाबा साहब एक्सप्लेन करते हैं कि जो ये जो यहाँ पर मनुस्मृति के अंदर जो हेरेटिक्स की बात की जा रही है, दरअसल ये हेरेटिक्स है कौन जिनकी मनु बात कर रहा है ना। एक्चुअली जो मनु यहाँ पर हेरेटिक्स की बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि बुद्धिस्ट ही है, क्योंकि जो उस वक्त के समय में पुष्यमित्र सुन के टाइम पर उस वक्त सिर्फ बौद्ध धर्म ही था जो कि वेदों के अलावा था, है ना, वेदों की फिलोसफी में विश्वास नहीं करता था और काफी स्ट्रॉन्ग था, है ना, ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट में काफी एक स्ट्रॉन्ग फिलोसफी थी। इसलिए यहाँ पर जो हेरेटिक्स की बात की जा रही है वो एक्चुअली बौद्ध धर्म के बारे में ही बात की जा रही है, बुद्धिस्ट के बारे में बात की जा रही है। इसलिए यहाँ बाबा साहब कहते हैं देयर कैन बी नो डाउट दैट द हेरेटिक ऑफ मनु इज द बुद्धिस्ट एंड द वर्थलेस फिलोसफी ऑफ मॉडर्न डेट डिफरिंग फ्रॉम द वेदा इज बुद्धिज्म। ठीक है, तो जो हेरेटिक्स है, हेरेटिक फिलोसफी है, वो बुद्धिस्ट और बुद्धिज्म ही है। कलु भट्ट अनदर कमेंटर ऑन मनुस्मृति एक्सप्रेसली स्टेट्स दैट द रेफरेंस टू हेरेटिक्स इन दीज श्लोकास इज मनु आर टू द बुद्धिस्ट एंड बुद्धिज्म। ये कलु भट्ट जो कि एक कमेंटेटर है मनुस्मृति पर, वो बिल्कुल कैटेगोरिकली बोलता है कि जो हेरेटिक्स की बात की गई है यहाँ पर, वो मनुस्मृति के जो हेरेटिक्स की बात की गई है वो बुद्धिस्ट और बुद्धिज्म के बारे में ही की गई है। सो फ्रेंड्स आई होप कि मतलब जो पॉइंट की बात है वो ये है कि मनुस्मृति के अंदर बौद्ध धर्म के बारे में और बुद्धिस्ट लोगों के बारे में इस तरह की बातें जो एक्सप्लेन की है, इस तरह की बातें लिखी गई है, क्योंकि मनुस्मृति का मेन उद्देश्य था बौद्ध धर्म को खत्म कर देना, बौद्ध धर्म के मानने वाले जो नागास थे, शूद्रास थे, उनको खत्म कर देना, उनको जड़ से खत्म कर देना, मतलब उनके दिमाग में से बौद्ध धर्म को हटा ही देना। और यही रीजन था कि जो एक तरह से कंप्लीट बौद्ध धर्म इंडिया में खत्म हुआ है, उसका रीजन ये है कि जो ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की जो फिलोसफी है डायरेक्टली उस पर अटैक किया, सीधे उस पर अटैक किया, बौद्धों पर डायरेक्टली अटैक किया, वो तो किया ही किया, उनका नरसंहार करना और इस तरह की चीजें करना, है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क्स पर कि उनकी गर्दन लाके दे दो तो आपको सोने के सिक्के मिल जाएंगे, इस तरह की चीजें वो तो की, लेकिन जो बुद्धिस्ट फिलोसफी थी वहां पर उस लेवल पे जाकर, रूट लेवल पे जाकर भी बौद्ध ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण फिलोसफी ने जाके अटैक किया। तो यही रीजन था कि बौद्ध धर्म यहाँ इंडिया से पूरी तरह से खत्म हुआ था। तो फ्रेंड्स आई होप कि जो हम टॉपिक्स वीडियो में समझाना चाह रहे थे वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जब भी